हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लवली गार्डन। कैसे हैं आप? आए हो अच्छे होंगे। वीडियो की शुरुआत इस हाइब्रिड विंका के साथ। तो गाइस, जैसा कि हम लोग समर में बढ़ रहे हैं समर की तरफ, तो अब गार्डन का जो काम होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है। नए सीडलिंग करने पड़ते हैं, समर के लिए कटिंग करना होता है और कुछ प्लांट के इन दिनों में प्रूनिंग करना होता है। तो मैंने भी आज कुछ समर के ही लिए काम किया है, तो चलिए फिर आज आपको दिखाती हूँ। और एक बात और आपसे बता दूँ कि ये देखिए, जो मेरे हाइब्रिड विंका है वो इनमें अब थोड़ी सी धूप मिलने से इनमें फूल आने लगे हैं और ये तकरीबन 2 साल पुराना प्लांट हो चुका है। आप देख सकते हो इसकी, ये सब देख सकते हो प्लांट, ये 2 साल पुराना हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा तो कुछ ही दिन में मर जाता है, इतना पुराना हो ही नहीं पाता है। तो अब जब इसे धूप मिलेगी तो ये इसके जो फूलों का साइज है वो बढ़ जाएगा। तो फिर चलिए, इसके बगल में ही एक देसी गुलाब खिल रहा है धीरे धीरे, ये देख सकते हो आप। तो गाइस, ये देखिए, ये है चंपा की कलम, मतलब कटिंग है। तो इसमें से अभी तक वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट दूध की तरह निकलता है। तो मैंने अपने चंपा के प्लांट को देखिए प्रून कर दिया, अभी भी इसमें से वाइट निकल रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, ये देखिए। तो इसे प्रून करना अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे सिवाय खेल रहे हैं, अभी जस्ट सो के उठे हैं। एंड गाइस, जो विंटर के हमारे जो भी प्लांट है हमारे, उनमें विंटर में हमारा जैसे गांव का एरिया है तो डस्ट वगैरह जम गई है प्लांट पे, तो धूप होने लगी है। तो मैं एक दिन सभी को स्प्रे के जरिए धोऊंगी, पाइप से स्प्रे करके इन सभी को धोऊंगी। साथ ही मैंने आज 2 फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में अप्लाई किया है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है ये, और ये घर के बेस एक तरीके से बेस चीज़ें हैं। और ये देखिए, मैं 2 प्याज लेकर आई हूँ जो कि इस तरीके से हो गई हैं, इनमें नई सूट निकल गई है, तो इन्हें मैं अब लगाऊंगी। तो ये फर्टिलाइज़र आप देख लीजिए, ये है अंडे का छिलका, जिसे कि मैंने बारीक करके सभी अपने प्लांट में अप्लाई किया है इस तरीके से। और इसके अलावा ये देखिए, सभी प्लांट में मैंने अप्लाई किया है ये अंडे का छिलका। तो अगर आप भी अंडा वगैरह खाते हैं तो उनके छिलके को कभी वेस्ट ना फेंकें, और उनके छिलकों को इस तरीके से तोड़ के, या फिर आप चाहें तो मिक्सी में पीस कर इसका पाउडर बना लें और इसको अपने प्लांट में अप्लाई करें, इससे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आता है। और ये ये अडेनियम को आज मैंने प्रून कर दिया है, अभी भी आप देख सकते हैं कि ये गीला है, तो जस्ट अभी मैंने इसको प्रून किया है। प्रून करने के लिए देखिए, मैंने इस तरीके से जितनी भी इसकी पुरानी ब्रांच थी इसको कट कर दिया है, और वो अंडे का छिलका मैंने इसमें भी डाला है। तो अब टाइम आ गया है कि इसमें अच्छे से फर्टिलाइज़र वगैरह दिया जाए और इसे प्रून कर दिया जाए। प्रून मैंने कैसे किया है मैं बता देती हूँ आपको। तो मैंने प्रून करने के लिए एक शार्प ब्लेड का इस्तेमाल किया है, और उससे कट करने के बाद इस पर मैंने नेल पेंट लगा दिया है। अगर आपके पास मोमबत्ती है तो आप मोमबत्ती भी लगा सकते हैं, गर्म करके पिघला कर इस पर लगा सकते हैं, इससे ऊपर का एरिया कोड हो जाता है और उस पर पानी नहीं पड़ता और ये सारी चीज़ें गलती नहीं है। तो इस तरीके से अब टाइम आ गया है इसकी, ये सारी चीज़ें देखभाल करने की। और बाकी इसमें स्टोन थे तो मैंने निकाल दिया, और इसका नीचे का कोडेक्स आप देख सकते हो कितना सुंदर, कितना हैवी होता जा रहा है। और जितनी भी ये खुली हुई रूट आपको दिख रही है, एक दिन ये भी इतनी थिक हो जाएंगी। ये नीचे थी तो मैंने जब इसको रिपोर्ट किया तो ऊपर उठा दिया, 1 से 2 इंच ऊपर करके उठाया है, लगाया है। उसके बाद धो दूंगी इसको, थोड़ा थोड़ा जो पाइप का पानी होता है उससे मैं स्प्रे करके धो दूंगी, क्योंकि मैंने इस पर थोड़ा थोड़ा मिट्टी चढ़ा के रखा है, तो वो जितनी भी ये पतली रूट है ये मोटी हो जाएंगी, प्लस ये साफ साफ दिखेंगी तो देखने में अच्छा भी लगेगा। और इसको मैंने रखा है एज अ कटिंग लगाने के लिए, तो अभी देख सकते हो इसमें वाइट, इसमें से भी डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये जब रुक जाएगा तो इसको मैं कटिंग लगा दूंगी इस कटिंग को। और ये एक चंपा का छोटा सा कटिंग मैंने बारिश में लगाया था, एक ही सिंगल ब्रांच होती, इस पर थोड़े थोड़े पत्ते आ भी रहे थे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कहाँ रख दिया इसके। हाँ, ये देखिए इसकी ब्रांच है, तो इस पर सिंगल ही ब्रांच आती है, इसी पे पत्ते आते, तो इसको मैंने प्रून कर दिया, तो हो सकता है कि 2 ब्रांच आए और दोनों पर ही हरे हरे पत्ते आए जो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसको भी प्रून कर दिया है।
एंड गाइस, मैंने अंडे का छिलका तो डाला ही है, साथ में छोटे छोटे ये संतरे के छिलके भी मैंने तोड़ के सभी प्लांट में, जितने प्लांट में हो सके मैंने उसमें अप्लाई कर दिया है, ताकि ये धीरे धीरे डीकम्पोज होके और खूब अच्छे से अपना काम करें और मिट्टी को उपजाऊ बनाएं और प्लांट जिससे कि हेल्दी रहें, अच्छे से ग्रो करें और इनमें खूब फ्लावरिंग हो। मैंने एक आध हफ्ते पहले ही बोगनविलिया की कटिंग प्रूनिंग कर दी थी। आप देख सकते हो बोगनविलिया पे नई जो उसकी नई नई ब्रांच है वो आना स्टार्ट हो गई है, तो अब इसमें फ्लावरिंग भी होगी। ये तो इसमें इतनी फ्लावरिंग होती है कि इसमें पत्तों का पता ही नहीं चलता है, तो अब की बार देखते हैं क्या होता है। और इसी में इस प्लांट में भी मैंने सेम फर्टिलाइजर अप्लाई किया है। तो गाइस, ये थे मेरे आज के कुछ समर के काम, तो होप करती हूँ आपको भी अच्छा लगेगा और आप भी इस काम को जरूर जल्द से जल्द कर लेंगे। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।